नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ शाहिन अली और आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क का हेल्थ शो, जहां हम बात करेंगे आपकी और हमारी हेल्थ के बारे में कि आखिर हमें हेल्दी रहना किस लिए जरूरी है और हम खुद को हेल्दी कैसे रखें। तो आज हम बात करेंगे स्विमिंग के क्या क्या फायदे होते हैं। स्विमिंग करने के बहुत से ऐसे फायदे होते हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते हैं। जबकि अधिकांश डॉक्टर सप्ताह में 150 मिनट तैरने की सलाह देते हैं, स्विमिंग एक प्रकार का व्यायाम है जिसके कारण ही तैरना हमारे लिए लाभकारी माना जाता है। तैराकी आपके पूरे शरीर और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक अच्छा तरीका है। स्विमिंग करने के फायदे वजन को कम करने, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, अस्थमा का इलाज करने, मूड को बदलने और अनिद्रा आदि का इलाज करने में सहायक होती है। फिट रहने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, चाहे शारीरिक फिटनेस की बात हो या फिर मानसिक फिटनेस की, आपको दोनों के लिए टाइम निकालना चाहिए। अगर आपको वही पुरानी एक्सरसाइज से कोई फायदा नहीं हो रहा है तो ऐसे में स्विमिंग काफी लाभदायक हो सकती है। स्विमिंग करने के फायदे में तनाव भी दूर हो जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या व्यायाम करने से आपको खुशी मिलती है? लेकिन स्विमिंग एक ऐसा व्यायाम है जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए साथ ही आपको आनंद दिलाने में मदद करता है। स्विमिंग करने के फायदे बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक के लिए होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तैराकी मानव स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है। तो आइए विस्तार से जानें उन लाभों को जो स्विमिंग करने के दौरान हमें प्राप्त होते हैं। यदि आप अपने वजन को कम करने का प्रयास कर रहे हैं तो नियमित व्यायाम फायदेमंद है, लेकिन आप वजन कम करने के लिए अधिक लाभ पाने के लिए आप स्विमिंग को भी अपना सकते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि तैराकी आपके वजन को प्रभावी रूप से कम कर सकती है। स्विमिंग करने का फायदा ये है कि इसे किसी भी उम्र में किया जा सकता है, जो कि प्रभावी होता है। महिला या पुरुष सभी स्विमिंग कर अपने अतिरिक्त वजन को कम कर सकते हैं। आज के बिजी शेड्यूल में जीवन शरीर को फिट रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यदि आप दैनिक जीवन में नियमित रूप से स्विमिंग करते हैं तो आपको लाभ हो सकता है। स्विमिंग करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे आपकी पूरी बॉडी फिट रहती है, क्योंकि इस दौरान आपके शरीर के सभी अंग क्रियाशाली रहते हैं। इस व्यायाम को करने से शरीर में किसी प्रकार दबाव डाले बिना ही कई प्रकार के व्यायाम हो जाते हैं। इस तरह से स्विमिंग करके आप हृदय गति को बढ़ाने, मांसपेशियों को ताकत दिलाने और सहन शक्ति बढ़ाने जैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्विमिंग करने से एक और फायदा ये भी है कि ये आपके शरीर को अंदर से मजबूत करता है। तैराकी आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, साथ ही ये कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। तैरने के दौरान आपके सांस लेने की क्षमता में भी वृद्धि होती है, जिससे आपके फेफड़े भी मजबूत होते हैं। तैरने के फायदे इतने हैं कि शोधकर्ताओं के अनुसार ये आपकी जीवन काल को भी बढ़ा सकता है। अध्ययनों से पता चलता है कि नियमित रूप से तैरने वालों की अपेक्षा तैराकी ना करने वाले लोगों की जीवन आयु कम होती है। इसके अलावा नियमित रूप से स्विमिंग करने से रक्तचाप और रक्त शर्करा के स्तर को भी नियंत्रित किया जा सकता है। स्विमिंग एक प्रकार की कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है। अगर आपको अपनी स्टैमिना बढ़ानी है तो रोज स्विमिंग करें, वहीं आप इससे अपना मोटापा भी कम कर सकते हैं। तैराकी गठिया के लिए भी फायदेमंद है। उन लोगों के लिए भी स्विमिंग एक अच्छा व्यायाम है जो गठिया, चोट या किसी अन्य प्रकार की विकलांगता रखते हैं, क्योंकि तैरने के फायदे दर्द को कम करने या चोट से उभरने में मदद करते हैं। एक अध्ययन से पता चलता है कि स्विमिंग और साइकिल चलाने जैसे व्यायाम ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले लोगों के लक्षणों को कम करने में सहायक होते हैं। इस तरह से यदि आप दैनिक जीवन में स्विमिंग को जगह देकर अपने स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं स्विमिंग करने का क्या महत्व है अस्थमा पेशेंट्स के लिए। अस्थमा रोगी के लिए इंडोर पूल का वातावरण बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा तैराकी करते समय आप सांस लेने से संबंधित लगभग सभी प्रकार के व्यायाम करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आपको समझ नहीं आते हैं।
जैसे कि तैराकी के दौरान सांस रोकना, लंबी लंबी सांस लेना, नियमित अंतराल से सांस लेना आदि, ये सभी क्रियाकलाप आपके फेफड़ों को मजबूत करते हैं। लेकिन स्विमिंग पूल का उपयोग करते समय सावधानी रखना आवश्यक है, क्योंकि अध्ययनों से पता चलता है कि पूल को साफ रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन अस्थमा रोगी के लिए ठीक नहीं है। इसलिए अस्थमा रोगी को पूल का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। स्विमिंग करके करें अपनी नींद में भी सुधार। जो लोग अनिद्रा या नींद की कमी से परेशान हैं, उनके लिए स्विमिंग एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि तैराकी करने के दौरान आपके शरीर के सभी हिस्से काम करते हैं, जिससे आपके शरीर को आराम करने की अधिक आवश्यकता होती है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि नियमित रूप से तैराकी करने वाले लोगों को रात में आसानी से और अच्छी नींद आती है। आप भी अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए तैराकी के लाभ ले सकते हैं। तैराकी के एक और फायदा ये भी है कि वो आपकी मनोदशा को बढ़ाते हैं। अध्ययन बताते हैं कि स्विमिंग करना आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ा सकता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि मनोभ्रम रोगी को नियमित रूप से स्विमिंग करने से उनके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। मनोभ्रम वाले लोगों के लिए तैराकी और जलीय वर्कआउट केवल मनोवैज्ञानिक रूप से फायदेमंद नहीं है, बल्कि ये व्यायाम उनके मूड और मनोदशा को भी बढ़ाने में सहायक होता है। यदि आप भी ऐसी ही किसी समस्या से परेशान हैं, तो स्विमिंग के फायदे प्राप्त कर सकते हैं। अंत में आपको बता दें कि आखिर स्विमिंग के क्या फायदे हैं अगर आप तनाव में हैं। यदि आप तनाव से छुटकारा चाहते हैं, तो स्विमिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि तैराकी करने के दौरान आपके शरीर में ऐसे हार्मोन उत्तेजित होते हैं जो तनाव को कम कर सकते हैं। हालांकि इस विषय पर अभी और भी शोध की आवश्यकता है, लेकिन अन्य लाभों को देखते हुए ऐसा माना जा सकता है कि तनाव को दूर करने के लिए स्विमिंग प्रभावी व्यायाम है। तो ये थी जेके न्यूज नेटवर्क पर हेल्थ सेगमेंट के ऊपर कुछ खास पेशकश। तो आगे हम आपको ऐसी और भी अपडेट्स देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए जेके न्यूज नेटवर्क के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।